हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं या यूनेस्को साइट हैं, रामसर साइट हैं, या जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो या बैंक हो या PSC हो, कोई भी एग्जाम हो, डेली पुलिस का कोई एग्जाम हो, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, SSC के तो हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आता है, तो उसमें तो मोस्ट IMP वीडियो है। आपका ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के आसपास कितने पड़ोसी देश या राज्य, उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये बिहार से इसकी सीमा लगती है, इस तरफ से नेपाल से सीमा लगती है, ये सिक्किम से सीमा लगती है और यहाँ भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और एक तरफ से बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। वहीं बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है, यहाँ उड़ीसा से और इस तरफ झारखंड से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उनके बारे में मैंने बताया। एक बार मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में और बता दूं कि किस किस देश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में पहले नेपाल से इसकी सीमा लगती है, भूटान से और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अब यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश किस देश से सबसे ज़्यादा साझा करता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल साझा करता है। बात करते हैं राजधानी की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ का जनघनत्व 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, लिंग अनुपात 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, वहीं मुख्य भाषा बांग्ला है। बात करें जिला की तो इसमें कुल 23 जिले हैं। उच्च न्यायालय कोलकाता है और विधानसभा सदस्य 294 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 यानी 42 है। बात करें सीमाओं की तो मैंने आपको मैप में बताई दिया, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, उत्तर में सिक्किम और भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, पूर्व में असम और बांग्लादेश से सीमा लगती है और वहीं पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार तथा नेपाल से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। दोस्तों, मैप में मैं आपको असम राज्य नहीं गिना पाया, तो ये भी ऐड कर लेना। पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा असम और बांग्लादेश दोनों से लगती है। बात करें अगर राजकीय पशु की तो हाथी राजकीय पशु है, वर्ण उल्लू राजकीय पक्षी है। प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल घोष हुए थे और प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। बात करें प्रमुख नदियों की तो गंगा, भागीरथी, जैसे हम गंगा को भागीरथी कहा जाता है, दामोदर, हुगली, महानंदा, तिस्ता, मयूराक्षी, ये प्रमुख नदियां हैं पश्चिम बंगाल में। वहीं पर्यटन केंद्र की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं पश्चिम बंगाल में। शोध संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता में स्थित है, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कोलकाता में है, बिरला प्लैनेटोरियम आपको कोलकाता में देखने मिलेगा और सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये भी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। बात करें सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की तो दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और फरक्खा बैराज, ये प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं हैं पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, ये बांध भी आप मान सकते हैं, जैसे दामोदर नदी पर जो बांध बनाया होगा उसका नाम दामोदर बांध है और ये फरक्खा बैराज ये भी बनाया गया है तो पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ फैक्ट हुए और सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात हुई। बात करते हैं हवाई अड्डों की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, जिसका पूर्व नाम दमदम हवाई अड्डा था, ये नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया और बागडोगरा हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में आपको ये दोनों हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। प्रमुख फसलों में गेहूं, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर, आलू प्रमुख फसलें हैं। वहीं त्यौहार की बात की जाए, दही चूड़ा, दुर्गा पूजा, ढोल, कोविता, ये प्रमुख त्यौहार हैं पश्चिम बंगाल के। बात करें नृत्य की तो काठी, गंभीरा, ठाली, जतारा, महाल, कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय उद्यान में बक्साधारा, न्यूरा, गोरुमारा, सुंदरवन, सिंगालीला, जल्दापारा प्रमुख
राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल में झीलों की, तो मोती झील और रविंद्र सरोवर ये दोनों झीलें आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगी। वहीं यूनेस्को साइट में सुंदरबन को 1987 में शामिल किया गया था। आपको पता होना चाहिए सुंदरबन भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, जिसे 1987 में यूनेस्को साइट बनाया गया था। वहीं दार्जिलिंग में माउंटेन रेलवे है, जिसे 1999 में यानी 1999 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। बात करें प्रमुख जनजातियों की, तो भुईया, संथाल, मुनस, चेरो, खारिया, गारो, माघ, महली, लोहारा, माल, चकमा प्रमुख जनजातियां हैं आपको पश्चिम बंगाल में देखने मिलेंगी। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। दुर्गापुर में स्टील प्लांट कारखाना बनाया गया है। चितरंजन में लोकोमोटिव ट्रेन इंजन का कारखाना 1950 में बनाया गया था। रानीगंज सबसे ज्यादा कोयला यहाँ से निकाला जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद को कहा जाता है। फरक्खा बैराज गंगा नदी पर बनाया गया है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट कुछ और फैक्ट की, तो सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर पार्क कोलकाता में ही बनाया गया। नेताजी की 125वीं जयंती पर मजीरहाट ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज किया गया है। देश की पहली बार आर्टिकल 324 का प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया गया था। दोस्तों देश में पहली बार आर्टिकल 324 का प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया गया। वहीं हाल ही में इसका उपयोग आर्टिकल 325 का उपयोग केरल ने भी किया है। जिम्नास्टिक प्रणति नायक पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। क्रिकेटर झूलन देवी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी पश्चिम बंगाल की हैं। तैरता हुआ बाजार कोलकाता में खोला गया है। पिंक बॉल से पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित किया गया था। कुछ और फैक्ट के बारे में अगर चर्चा करें, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। देश के पहले रेल रेस्टोरेंट का नाम बदलकर रेस्टोरेंट ऑन व्हील किया गया है, जो आसनसोल में आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता में देखने को मिलेगा। भारत का पहला दुग्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में है और दूसरा राजभट्ट खावा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। ये दोस्तों इकट्ठा ही नाम है, राजभट्ट खावा ये दुग्ध प्रजनन केंद्र दूसरा है भारत का जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। हजार द्वारी महल पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बात हुई थी, अभी हमने बात की पश्चिम बंगाल की, अब बात करते हैं सिक्किम की। ये आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, सिक्किम की मैप में आपको दिखा दूं तो ये जो लोकेशन है छोटा सा मैप सिक्किम की है। आपको बता दूं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिक्किम से लगती हैं। सबसे पहले यहाँ से पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है और एकमात्र राज्य है भारत का जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके अलावा सिक्किम तीन देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें पहला तो भूटान, दूसरा नेपाल और तीसरा चीन यानी तिब्बत। ये है इन तीनों का जहाँ सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आप बता दूं, एटलस ले लीजिए, एटलस में आप मैप देख सकेंगे। जब भी बात करेंगे सिक्किम की या किसी भी राज्य की जो मैं आपको ये वीडियो देने वाले हूं, तो दोस्तों वहां पे आप मैप खोलें और उनमें सिक्किम देखें, सिक्किम का ब्रॉड मैप देखें। और जब भी हम फैक्ट की बात करेंगे तो उन फैक्ट को आप मैप के साथ याद करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। बात करते हैं राजधानी की, तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। 16 मई 1975 को भारत में शामिल किया गया था। राजकीय पशु लाल पांडा है। राजकीय मछली कूपर महाशीर है सिक्किम की। राजकीय वृक्ष बुरांस। राजकीय फूल नोबल ऑर्किड है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो सिर्फ एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और चीन, ये तीनों पड़ोसी देश। लोक नृत्य में सिकमारी, याक्षाम, डेंजोंग और मारुनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं सिक्किम के। दोस्तों आपको अगर याद करना है तो ऐसी ट्रिक होती है, सी से सिक्किम और सी से सिकमारी, तो यहाँ से आपको चार नाम याद रख रहे हैं तो आपको पूरा याद रहेगा। त्योहार की बात की जाए तो लोसार, सागदावा और नाम सुनक ये त्योहार आपको सिक्किम में मनाए जाते हैं। नदियों में तीस्ता, चोलामू और रंगीत प्रमुख नदियाँ हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए
तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और खंद चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की, तो कुल एक लोकसभा सदस्य की संख्या है, वहीं एक राज्यसभा सदस्य की संख्या सिक्किम में मिलेगी। यूनेस्को साइट में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया था 2016 में, तो सिर्फ एक यूनेस्को साइट आपको सिक्किम में देखने मिलेंगी जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जनजातियों में भूटिया, चुम्बिया, दुकपा, कगाते, योलमो और लेपचा प्रमुख जनजातियां आपको सिक्किम में देखने मिलेंगी। बात करते हैं दर्रों की, तो नाथुला, जेलपला और नाकुला ये प्रमुख दर्रे आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये दर्रे आपको याद रखना है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो 8,598 फीट है और ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। पैकयोंग भारत का 100वां एयरपोर्ट बना है। भारत के सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री हैं वह पवन कुमार चामलिंग हैं, जो भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा बाईचिंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, उसका नाम नामची रखा गया है। पंख लहफशोल का त्यौहार सिक्किम में आपको देखने मिलेगा। नेपाली समुदाय का सामूहिक नृत्य मारूनी सिक्के मारूनी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 का आयोजन सिक्किम में किया गया था। दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर ये सिक्किम है, तो आपको नेपाली समुदाय का सामूहिक नृत्य मारूनी सिक्किम में देखने मिलेगा। वहीं पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 का किया गया था, इसका आयोजन सिक्किम में ही किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।